हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, महामारी के इस दौर में हमने एक नई ट्रैवल सीरीज लॉन्च की है, जिसमें हम आपको गुड़गांव के आसपास के कुछ इंटरेस्टिंग प्लेसेस के बारे में जानकारी देंगे। ये प्लेसेस हर तरह से सेफ हैं, आप चाहें तो यहाँ पर अपनी विजिट प्लान कर सकते हैं। इसी सिलसिले में आज हम आए हैं कासन गांव में। कासन IMT मानेसर की पहाड़ियों में स्थित एक छोटा सा गांव है और ये प्रसिद्ध है अपने एक भव्य और दिव्य मंदिर के लिए, जो गुड़गांव से केवल 25 किलोमीटर और नेशनल हाईवे से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे तो यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है, 800 साल से भी अधिक पुराना है, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ पर अभूतपूर्व निर्माण कार्य हुए हैं, जिसकी वजह से आपको मंदिर का एक आधुनिक रूप देखने को मिलेगा। यदि आप यहाँ पर जाने का प्लान करते हैं तो जो पुराना मार्ग है खोगांव होते हुए, उसको अवॉइड करें, क्योंकि उस पर आजकल बहुत ज्यादा भीड़ और प्रदूषण है। बेहतर होगा आप IMT वाला रास्ता चुनें। यदि आप गूगल मैप में सर्च करते हैं तो आपको डायरेक्शन मिल जाएंगी। मेन टेम्पल में जाने से पहले यहाँ पर जो निर्माण कार्य हुए हैं, आइए उनका अवलोकन कर लेते हैं। ये गोवर्धन पर्वत का एक दृश्य है, जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया था, और सामने एक बहुत ही प्राचीन वटवृक्ष, यहाँ पर कुछ बच्चों के झूले। आपको ऐसा लगेगा कि मानो एक पिकनिक स्पॉट पर आप आ गए हैं। और ये इस मंदिर का मुख्य आकर्षण भगवान शिव की वाटिका, जिसको मानसरोवर नाम दिया गया है। बहुत ही वेल मेंटेन्ड, एकदम हरी भरी। नीचे कासन गांव में थोड़ी भीड़ है, प्रदूषण है, लेकिन यहाँ पर ऊपर बहुत ही स्वच्छ वातावरण। एक बार आप जाएंगे तो बार बार आपका जाने का दिल करेगा। दूर दूर तक फैली हरियाली, एक दिव्यता का आपको अनुभव होगा, और ये हरियाली आपका मन मोह लेगी। ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा है मानो हम किसी हिल स्टेशन पर आ गए हैं, और ये जो पेड़ हैं, बताया जाता है कि केवल इसी पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। नीचे कासन गांव में भीड़ भाड़ थोड़ी ज्यादा है, प्रवासी मजदूर अधिक आ गए हैं, लेकिन ऊपर आने पर आपको एकदम शांत और स्वच्छ वातावरण मिलेगा। दूर दूर तक फैली हुई हरियाली आपका मन मोह लेगी। एक पहाड़ी की चोटी को समतल करके इस मंदिर का निर्माण किया गया है। यहाँ का वातावरण एकदम शांत है, हर तरफ आपको स्वच्छता और सफाई दिखाई देगी। भीड़ भाड़ से दूर यदि आप सुकून के कुछ पल बिताना चाहते हैं तो यहाँ पर जरूर जाइएगा। मंदिर के इस द्वार के निर्माण में योगदान दिया है क्रिकेटर आशीष नेहरा ने, उनका गांव यहाँ से नजदीक ही है। और आइए अब प्रवेश करते हैं मंदिर के अंदर। यह मंदिर समर्पित है बाबा पूर्णमल को, जिन्हें चोरंगी नाथ भी कहा जाता है। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। वैसे मंदिर सुबह 6 बजे से शाम को 8 बजे तक खुला रहता है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर भगत पूर्णमल के जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं को दर्शाया गया है, जैसे कि राजा द्वारा अपने बेटे पूर्णमल को जल्लादों को सौंप देना और बाद में गुरु गोरखनाथ द्वारा उन्हें जिंदा बचा लेना। पूरी कहानी जानने के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। और अब हम आ गए हैं मंदिर की बैक साइड में। यहाँ पर एक बहुत ही खुला और बड़ा प्रांगण है। हर साल इस मंदिर में एक मेले का आयोजन किया जाता है। इस बार महामारी के चलते मेले का आयोजन नहीं हो पाया, और हर जगह आपको बहुत ही साफ सफाई देखने को मिलेगी। और यहीं पर एक बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट है, पूरा IMT मानेसर यहां से दिखाई देता है। ये सामने मारुति कंपनी का कैंपस दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा कुछ साल पहले मारुति के इस कैंपस में तेंदुआ घुस गया था, जिसकी वजह से कई दिन तक मारुति का उत्पादन ठप रहा था। मानसून के बाद ये पहाड़ी एकदम हरी भरी हो जाती है,
हर तरफ आपको हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। एक और चीज जिसके लिए ये मंदिर प्रसिद्ध है वो है चर्म रोगों का निवारण। खास करके यदि आपको मस्से या दाद हो जाते हैं तो यहाँ पर पूजा अर्चना करने से माना जाता है कि वो ठीक हो जाते हैं, और ठीक होने पर श्रद्धालु यहाँ पर झाड़ू और नमक को अर्पित करते हैं। बाबा पूर्णमल के अलावा यहाँ पर सनातन धर्म के विभिन्न देवी देवताओं की अनेक प्रतिमाएं हैं, छोटे बड़े अनेक मंदिर हैं, विभिन्न देवी देवताओं के अलग अलग मंदिर भी बनाए गए हैं। इतना बड़ा मंदिर होने के बाद भी बहुत ही अच्छी तरह से इसको मेंटेन किया गया है, हर चीज की उचित व्यवस्था की गई है, चाहे वो पीने का पानी हो या जन सुविधाएं, यहाँ पर हर चीज का ख्याल रखा गया है। खास करके यहाँ पर हरियाली बहुत ज्यादा है। इतनी ऊंची पहाड़ी पर भी आपको अनेक प्राचीन वटवृक्ष देखने को मिल जाएंगे, शायद ही और किसी पहाड़ पर इतने प्राचीन वटवृक्ष हों। एक चीज की आपको यहाँ पर कमी महसूस हो सकती है, यहाँ पर कोई रेस्टोरेंट या खाने पीने की दुकान नहीं है, केवल कुछ दुकानें हैं जो प्रसाद बेचते हैं या फिर बच्चों के कुछ खिलौने। मेले के इच्छुक लोगों को मैं बता दूं कि भादो मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी को यह मेला आयोजित किया जाता है, और उस समय यहाँ पर एक कुश्ती दंगल का आयोजन भी किया जाता है जो लगातार 3 दिन तक चलता है। और अब मैं आपको मेले की कुछ और दूसरी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इसके साथ ही दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत, अगले वीडियो में ऐसे ही एक स्थान के बारे में जानकारी लेकर हम हाजिर होंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।